ओ भाई साहब, ये मैंने क्या देख लिया, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। जॉन विक चैप्टर 4 इज द बेस्ट एक्शन थ्रिलर मूवी आई हैव एवर सीन इन माय इंटायर लाइफ। और मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, जॉन विक चैप्टर 4 इज द बेस्ट एक्शन मूवी मैंने अभी तक जितनी देखी है और मैं आगे भी जितनी देखने वाला हूँ। इसको टक्कर देने में ना भाई अब लोगों के पसीने छूटने वाले हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, मैंने आपको पहले भी बता रखा था अपनी इस वाली वीडियो में कि मैंने अभी तक जितनी भी एक्शन मूवीज देखी है उनमें मैं जॉन विक को सबसे ऊपर रखता हूँ। लेकिन जॉन विक 4 मेरे लिए पर्सनली ऐसी मूवी बन चुकी है जिसको मैं पूरी जिंदगी में अब कभी नहीं भूलने वाला, क्योंकि सबसे पहले तो मैं जॉन विक का इतना बड़ा फैन और ऊपर से मैंने ये मूवी अपने फेवरेट क्रिएटर के साथ बैठ के देखी है, यानी कि पीजे एक्सप्लेन्ड। और मैं मजाक नहीं कर रहा हूं भाई, उनके साथ बैठ के मूवी देखने का ना मेरा अपना एक अलग एक्सपीरियंस बन चुका है। तो मेरे लिए पर्सनली जो है जॉन विक 4 इज द बेस्ट एक्शन मूवी, क्या बेस्ट मूवी इन माय लाइफ बन चुकी है। खैर बातों को ज्यादा खींचते नहीं है, बात करते हैं मूवी की कहानी के ऊपर। तो जॉन विक चैप्टर 4 की कहानी जॉन विक चैप्टर 3 के बाद से ही स्टार्ट होती है, जहां पे हमें स्टार्टिंग में ही ये बता दिया जाता है कि जॉन विक कैसे द एल्डर को मार देता है। और फिर उसके बाद में जॉन विक फ्रेंचाइजी की सबसे इंपॉर्टेंट बात पता चलती है कि भाई जो हाई टेबल है उसका कोई एक चेहरा नहीं है, मतलब कि हाई टेबल के पीछे कोई 12 लोग नहीं है बल्कि 12 फैमिलीज है। अगर आप उनमें से किसी एक को मारोगे तो कोई दूसरा उनके ऊपर टेक ओवर कर लेगा, यानी कि इन सिंपल वर्ड्स आप हाई टेबल को कभी मिटा नहीं सकते। इसीलिए अब जॉन विक को चाहिए तो अपनी आजादी, क्योंकि चाहे वो जितनी भी सुपर ह्यूमंस वाली हरकतें कर ले लेकिन भाई रहेगा तो इंसान ही ना, वो हमेशा थोड़ी ना लड़ सकता है सबसे। मगर जब स्टार्टिंग में जॉन विक ने द एल्डर को मारा, उसके बाद हाई टेबल उससे काफी ज्यादा गुस्सा हो गई और उसको मारने के लिए मार्केस को भेजा। और भाई साहब ये बंदा लिटरली कुछ भी कर सकता है, मतलब हाई टेबल ने इसको फुल परमिशन दे रखी है, भैया तो जॉन विक को मार के आ चाहे कुछ भी हो जाए। और फिर उसके बाद मार्केस ने डॉनी येन को हायर किया जो कि डेयर डेविल का एक बहुत ही कूल वाला वर्जन है, मतलब कि अंधा होने के बावजूद भी ये बंदा भाई क्या ही फाइट करता है, मतलब फैन हो जाएंगे आप इसको देख के। खैर अब डॉनी येन जो होता है वो जॉन विक का एक बहुत ही पुराना दोस्त होता है, लेकिन भाई साहब इनके बीच में जो केमिस्ट्री हमें मूवी के अंदर दिखाई जाती है वो बहुत ही ज्यादा लाजवाब है। लेकिन अब मूवी आगे बढ़ती है और जॉन विक को पता चलता है कि कुछ ऐसी पुरानी परंपराएं हैं जिसकी मदद से उसको आजादी मिल सकती है, और ये परंपराएं ऐसी होती हैं जिनको हाई टेबल भी कभी नहीं ठुकरा सकता। मगर उस पुरानी परंपरा में हिस्सा लेने के लिए जॉन विक को किसी फैमिली यानी कि हाई टेबल की फैमिली का हिस्सा बनना पड़ेगा, जो कि जॉन विक पहले से ही होता है, क्योंकि जॉन विक एक अनाथ होता है और उसको पियोट्रा नाम के एक हाई टेबल मेंबर ने गोद लिया होता है या फिर उसको पाल पोस के बड़ा किया होता है। लेकिन जब वो पियोट्रा के पास जाता है तो उसको पता चलता है कि पियोट्रा तो ऑलरेडी मर चुका है, उसके जगह पे उसकी बेटी आ चुकी है जिसका नाम है कातिया। मतलब सीरियसली उसका नाम कातिया होता है भाई साहब, सब हंस रहे थे थिएटर के अंदर। और फिर उसके बाद कातिया के कुछ शर्तों को पूरा करने के बाद जॉन विक हाई टेबल का मेंबर बन जाता है, मतलब कि हाई टेबल की फैमिली का हिस्सा बन जाता है। और फिर उसके बाद पुरानी परंपराओं के अनुसार वो मार्केस को सीधा सीधा चैलेंज कर देता है, और वो भी काउबॉय वाले डुओगन बैटल के जैसे, यानी कि दो बंदे रहेंगे आमने सामने और उनको एक एक गोली चलानी रहेगी जब तक कि कोई सामने वाला एक बंदा निपट ना जाए। और फिर उसके बाद एज यूजुअल जॉन विक मार्केस को हरा देता है, फिर आखिरी में जो है चैन की मौत मर जाता है। खैर अब मेकर्स ने ऐसा दिखा तो दिया है कि भाई जॉन विक मर चुका है, लेकिन मैं मान नहीं सकता, क्योंकि एक ऐसा बंदा जो कि लिटरली बिल्डिंगों के ऊपर से गिर रहा है, इतने सारे बंदों से लड़के भी नहीं मर रहा है, वो बंदा सिर्फ 2 या 3 गोली के लगने से मर जाएगा, भाई मैं इस बात को कभी मान ही नहीं सकता। और जैसा कि मैंने रिव्यू के स्टार्टिंग में ही बोला है कि भाई ये मूवी ना एक मास्टरपीस है, मतलब कि लिटरली ये मूवी एक मास्टरपीस है। और यही नहीं, इस मूवी ने लिटरली एक बार सेट किया है, मतलब कि अब कोई भी एक्शन मूवी अगर आएगी इन फ्यूचर उसको जॉन विक से तो 100% कंपेयर किया जाने वाला है। मतलब कि यार मूवी के मेकर्स ने ना अपनी दिलो जान इसके अंदर झोंक दी है आपको इम्प्रेस करने के लिए, और ये मूवी आपको इम्प्रेस करने का लिटरली एक भी मौका नहीं छोड़ती। और ऐसा लगता है कि मूवी खुद को चैलेंज कर रही है, मतलब कि मूवी का पहला एक्शन सीक्वेंस बढ़िया था, दूसरा बहुत बढ़िया था, तीसरा उससे भी ज्यादा बढ़िया था, लेकिन भाई क्लाइमैक्स की तो बात ही छोड़ दो तुम, क्लाइमैक्स तो इस मूवी की जान है। मूवी का क्लाइमैक्स इतना ज्यादा बढ़िया है कि मैं वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं कर सकता। मतलब कि वो सीलिंग वाला शॉट, वो ट्रैफिक के बीच का फाइट, वो कार घुमा के कूल वे में जॉन विक का मतलब लोगों को मारना, भाई साहब क्या नहीं है क्लाइमैक्स के अंदर। और सिर्फ इतना ही नहीं, मूवी के लास्ट सीन में जहां जॉन विक को 200 सीढ़ियां चढ़ के चर्च में जाना होता है, वहां पे जो हमें फाइट सीक्वेंस देखने को मिलती है, भाई साहब बहुत ही ज्यादा ब्रूटल, बैडएस और लाजवाब है। और ब्रूटल से याद आया, मूवी के अंदर ऐसे ऐसे एक्शन सीक्वेंसेस है कि जो कि आपको लिटरली रियल में फील होते हैं, बंदा वहां पे मार रहा है, फील आपको यहां पे होता है। लेकिन अगर मेरे लिए कोई सबसे बेस्ट फाइट सीक्वेंस होगी जॉन विक चैप्टर 4 की, तो वो होगी मेंशन वाली फाइट सीक्वेंस, यानी कि जहां पे इन लोगों ने पूरा सेट पीस तैयार किया था और ऊपर से पूरी तरीके से जो कैमरा फ्लोट करते हुए वन शॉट सीक्वेंस लिया था, जॉन विक लिटरली वहां पे दिवालियां मना रहा था, वो वाली फाइट सीक्वेंस मेरे लिए पर्सनली सबसे बेस्ट फाइट सीक्वेंस बन चुकी है। मतलब कि वो फाइट सीक्वेंस इतनी ज्यादा बढ़िया थी कि मैं
बता रहा हूँ, आगे चल के दूसरी मूवीज में इस फाइट सीक्वेंस को कॉपी किया जाएगा। मतलब कि मूवी एक्शन के नाम पे अपने आप को बेचती है और आपको मूवी के अंदर पूरी तरीके से सिर्फ और सिर्फ एक्शन देखने को मिलेगा। प्योर एक्शन थ्रिलर मूवी है भाई। और एक्शन के साथ साथ मूवी की सिनेमेटोग्राफी, भाई मूवी की सिनेमेटोग्राफी इतनी ज्यादा कमाल की है कि इसका एक एक फ्रेम जो है वॉलपेपर की तरह नजर आता है। मूवी के अंदर इतने सारे ब्यूटीफुल सीन कैप्चर किए गए हैं जिसको आप लिटरली पॉज करके अगर स्क्रीनशॉट ले लो तो उसको आप वॉलपेपर की तरह यूज कर सकते हो। और यही नहीं, मूवी अलग अलग जगहों को अलग अलग लाइट और शेडिंग से रिप्रेजेंट करती है जो कि बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है। ओसाका कॉन्टिनेंटल से लेके पेरिस तक इसका हर एक जगह की सिनेमेटोग्राफी भाई चुम्बेश्वरी है, मैं बता रहा हूँ बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है। खैर इसी के साथ साथ जॉन विक 4 के अंदर जो हमें नए कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस कराया गया है वो कूल होने के साथ साथ भाई बहुत ही ज्यादा बैडएस भी नजर आते हैं। इसमें अगर मुझे रैंकिंग करनी हो तो मैं सबसे ऊपर जो है डोनी येन भाई साहब को रखूंगा क्योंकि भाई ये बंदा ना भाई इसकी बात ही अलग है। और सिर्फ यही नहीं, मूवी के जो दूसरे नए कैरेक्टर्स थे वो भी काफी ज्यादा कूल थे, जैसे कि सीमोजी कोजी और उनकी बेटी अकीरा, फिर उसके बाद मिस्टर गुमनाम और उनका कुत्ता। लिटरली हर एक कैरेक्टर इसमें काफी ज्यादा कूल है। खैर बस करते हैं, वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो रही है क्योंकि भाई अगर मैं जॉन विक 4 की तारीफ करने बैठा तो मैं लिटरली रुक नहीं सकता क्योंकि मेरे को ये पिक्चर इतनी ज्यादा बढ़िया लगी है। और हाँ, जाते जाते मैं एक स्पेशल मेंशन भी करना चाहूंगा लैंस रेडिक सर की, जिनको मूवी में देखने के बाद मैं थोड़ा सा इमोशनल भी हो गया था क्योंकि अनफॉर्चुनेटली कुछ ही दिनों पहले उनकी डेथ हुई है और उनको मूवी के अंदर देख के भाई एक इमोशनल सी फीलिंग आ गई। खैर मूवी ने जाने या अनजाने में उनको एक अच्छा खासा ट्रिब्यूट दिया जो कि मुझे देख के पर्सनली काफी ज्यादा अच्छा लगा। मगर इसी के साथ वीडियो को यहीं पे रैप अप करते हैं। और अगर आप लोगों ने जॉन विक चैप्टर 4 देख ली है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना कि आपको ये मूवी कैसी लगी। खैर अगर आपको मेरी ये वाली वीडियो देख के अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल पे अगर कहीं से नए आ गए हो तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलना, और हाँ अगर ज्यादा पसंद आ गई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। और इसी के साथ मेरे कुछ पुराने वीडियोस जो कि आपको ऊपर नजर आ रहे होंगे अगर नहीं देखा है तो एक बार ट्राई जरूर करना। और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। भाई साहब पीजे के साथ मैंने मूवी देखी, ओ माय गॉड, सपना पूरा हो गया मेरा। अबे बस कर चूतिये, कितना ज्यादा मिल्क करेगा, हो गया तेरा बस।